जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली, जो हम समझते हैं कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछेगा और इम्पोर्टेंट भी है साइंस की दृष्टि से भी। अगर आपको इम्पोर्टेंस में समझना है तो आपको जो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तीन बॉल है, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये जो है ये तीन बॉल है। अगर आप तीनों बॉल को देखें तो तीनों का जो ब्लू वाला सिरा है, तीनों बॉल का जो ब्लू वाला सिरा है एक साथ जुड़ा हुआ है, तीनों बॉल का जो लाल वाला सिरा है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो तीनों है यही जो है ये जो एक साथ जुड़ा हुआ है यही है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध का जो पहला सिरा है सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा एक साथ जुड़ा रहता है और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर जो संयोजन में दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका जो ब्लू वाला सिरा एक साथ है और लाल वाला सिरा एक साथ है। तो यही है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, यही प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। और इसमें जो याद रखने वाली बात है, इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि इसका जो विभवांतर है वो बराबर होता है, क्योंकि विभवांतर जो इसका बराबर होता है और धारा का बंटवारा होता है, क्योंकि इसको तीन भाग में बंटना होता है। धारा अगर यहां से आई इस पॉइंट पर, अभी इस पॉइंट पर जो तीनों को धारा को जो तीन रास्ते पर बंटना होगा तीनों रास्ते पर जाने के लिए, यहां पर जो धारा का बंटवारा हो जाता है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो समांतर क्रम संयोजन में धारा का जो बंटवारा हो जाता है, यानी धारा अलग अलग चली जाती है, यानी धारा असमान होती है, लेकिन विभवांतर सबके लिए बराबर होते हैं। यहां पर विभवांतर जो हर एक के लिए जो विभवांतर वो बराबर होगी, ये पॉइंट आपको याद रखना।